एक बार फिर एक ही छत के नीचे नजर आए विकी और कैटरीना। मीडिया की नजरों से बचने के लिए स्टार्स ने बनाया है प्लान, वो भी एक नंबर। विकी कौशल और कैटरीना कैफ भले ही ऑन स्क्रीन साथ नजर नहीं आए हों, लेकिन दोनों की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री इन दोनों को हर बार लाइमलाइट में ले आती है। दोनों का अक्सर साथ दिख जाना कई तरह के स्पेकुलेशंस को हवा देता है। कभी दोनों के डेटिंग की खबरें आती हैं, तो कभी दोनों के साथ फिल्म साइन करने की खबरें सामने आती हैं। ऐसे में अब एक बार फिर दोनों एक ही छत के नीचे नजर आए हैं। दरअसल मौका था डायरेक्टर अली अब्बास जफर के बर्थडे का, जिसे अटेंड करने के लिए विकी और कैटरीना दोनों पहुंचे थे। नियॉन ऑरेंज कलर की शॉर्ट एंड हॉट ड्रेस में मिस कैफ इस बैश में पहुंची, अपने बेस्ट फ्रेंड अली अब्बास जफर का बर्थडे केक कट करवाती हुई नजर आईं। केक कटिंग के दौरान विकी कैट और अली के ऑपोजिट साइड सामने खड़े नजर आ रहे थे। बाकी गेस्ट की बात करें तो कैटरीना और विकी के अलावा इस बैश में अनन्या पांडे और बॉलीवुड के बादशाह खान भी पहुंचे थे। शाहरुख अपनी फीमेल को-स्टार्स का कितना ध्यान रखते हैं ये तो सब जानते हैं, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। किंग खान खुद मिस कैफ को उनकी कार तक ड्रॉप करते हुए हमारे कैमरे में कैप्चर हुए। वैसे विकी और कैटरीना की लगातार मुलाकातों का सिलसिला कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रहा है। दिवाली पार्टी के बाद दोनों साथ में कैप्चर हुए। फिर हाल ही में दोनों प्रोड्यूसर आरती शेट्टी के घर पर भी दिखे थे। ऐसे में बार बार पेपराजीज की नजर से बचने के लिए दोनों ने अब मीडिया के कैमरों से बचने के लिए एक प्लान बनाया है। सोर्सेस की माने तो अब दोनों पेपराजीज से बचने के लिए अपनी लग्जरी कार का यूज ना करके ऑटो राइड इस्तेमाल करेंगे। वेल, दोनों का ये स्मार्ट मूव कितना कामयाब होता है ये तो जल्द पता लग जाएगा, लेकिन दोनों की मुलाकात का असली रीजन क्या है ये भी हम आपको जल्द से जल्द बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट E24।